नए साल पर यूक्रेन को फ्रांस का भरोसा, फ्रांस ने भरोसा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है, फ्रांस हमेशा यूक्रेन के साथ रहेगा, जीत हासिल होने तक हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि रूस जब तक ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं करेगा तब तक युद्ध जारी रहेगा, फ्रांस ने यह दावा किया कि जब तक जीत हासिल नहीं होती है तब तक मदद जारी रहेगी। कोचर सर, सरप्राइज कौन कर सकता है 2023 में? मेरा सवाल यही है कि हु हैज द कैपेसिटी टू सरप्राइज एवरीबॉडी। देखिए, एक तो बहुत अच्छा एलिमेंट आप इसमें लेके आए हैं, सरप्राइज। यूक्रेन की तरफ से अगर हम इसको एनालाइज करें तो ऐसा कोई टेंजिबल रीजन नहीं आ रहा है कि यूक्रेन रशिया को सरप्राइज कर सके। तो यूक्रेन की तरफ से सरप्राइज पॉसिबल नहीं लगता है। रशिया की तरफ से सरप्राइज हो सकता है कि क्रिटिकल मास जो है रशिया के लिए आज इस लड़ाई में वो क्या है, और वो है काइव। और वो रशिया ने अभी तक अपना ये सरप्राइज को जाहिर नहीं किया है इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। नेटो नहीं कर सकता सरप्राइज। नेटो इस लड़ाई में नहीं आने वाला है। आप देख लीजिए, अगर ये नेटो आता है लड़ाई में तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे, और वो कोई भी देश स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है राजन कोचर सर, आपने सरप्राइज वाला जो एलिमेंट सामने रखा और इसमें आपने एक बड़ी बात कही कि कीव को लेकर रशिया क्या सरप्राइज करता हुआ नजर आएगा, अब ये क्या स्ट्रेटेजी है।